जुलाई 2021 में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एक बैंक की वेबसाइट में जाता हूं। सारी डिटेल्स भरने के बाद जैसे फॉर्म सबमिट करता हूं, 5 सेकंड बाद एक एरर आ जाता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद मैं इंटरनेट में रिसर्च करता हूँ, कुछ रिच दोस्तों से पूछता हूँ और तब वो लोग मुझे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का सजेशन देते हैं। थोड़े दिन बाद जब सब कुछ रेडी हो जाता है फिर से उसी बैंक की वेबसाइट में जाता हूँ और अब की बार मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दोस्तों अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कैसे अलग होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट की। दोस्तों अगर आप सिक्योर्ड कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हो देन आपको फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। वहीं बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के फिक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दोस्तों बात की जाए क्रेडिट लिमिट की तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट डिपेंड करती है कि आपने कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है तो आपको इसका 80 से लेकर 100% के बीच में क्रेडिट लिमिट दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। वहीं दोस्तों बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, आपके इनकम प्रूफ के ऊपर और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है बैंक के साथ। दोस्तों इसमें आपको क्रेडिट लिमिट ज्यादा दी जाती है सिक्योर्ड कार्ड के मुकाबले। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स की। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट ही मिल जाता है। इसमें ना तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है ना ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। वहीं बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपका पूरा सिविल स्कोर देखा जाता है, इनकम प्रूफ क्या है, आप करते क्या हो, ये भी चीजें देखी जाती है, उसके बाद ही आपको अप्रूवल दिया जाता है। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों को प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जाता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस यूजर्स का बिहेवियर कैसा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के ऊपर। दोस्तों सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने वन कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है जिसका मुझे 6.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है पर एनम के हिसाब से और ये जो एफडी है ऑटो रिन्यूअल भी होती रहती है। वहीं दोस्तों बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है क्योंकि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट पे अमाउंट ही नहीं डाला है। और दोस्तों बात करें दोनों में चार्जेस की तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, हालांकि ये चीज डिपेंड करती है कि आप क्रेडिट कार्ड का कौन सा वेरिएंट यूज कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यानी कि क्रेडिट बिल्डिंग की। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है तो इसका मतलब आपका सिविल स्कोर बिल्कुल जीरो है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे आप अप्लाई कर देते हो टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होने लगता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी सही हो जाती है और इन फ्यूचर आप फिर अनसिक्योर्ड कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं दोस्तों बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका क्रेडिट स्कोर है, इसीलिए आपको ये कार्ड मिल गया। तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर या तो बढ़ेगा अगर आप सही से यूज करोगे तो, अगर आप सही से यूज नहीं करोगे तो डिक्रीज होगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है रिवार्ड्स का। दोस्तों अगर आपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको रिवार्ड्स रेट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, हालांकि कुछ ऐसे भी बैंक्स आते हैं जो आपको काफी अच्छे रिवार्ड्स एंड ऑफर्स देते रहते हैं। वहीं दोस्तों बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको रिवार्ड्स पॉइंट अच्छा मिल जाता है, कैशबैक भी अच्छा मिलता है, ऑफर्स भी टाइम टाइम पे आता रहता है। इसके अलावा इसमें आपको एड ऑन कार्ड की भी सुविधा मिल जाती है और इसके अलावा आप मल्टीपल कार्ड्स के वेरिएंट को भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन और मेरे ओपिनियन की ओर। तो दोस्तों अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है, क्रेडिट स्कोर जीरो है, इसके अलावा आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है देन आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हो क्योंकि आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और मान के चलिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही है, आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर भी है, सिविल स्कोर भी अच्छा है, इनकम प्रूफ भी है आपके पास, तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यानी कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर अप्लाई करें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा।